हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 एक्सरसाइज 2.5 पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसकी टोटल आइडेंटिटी हो, जो आइडेंटिटी आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ कुछ नहीं आई है। पहले कौन से पढ़ चुके हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है तो इसका होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो आप एट में पढ़े हैं। सेकंड है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जबकि थर्ड आपके पास थी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो इसका होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तीन तो जो आप स्टैंडर्ड 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 9 में कुछ ज़्यादा दो तीन चार ज़्यादा है इसके बारे में हम सोचते हैं। तो फोर्थ वन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, तो एक ट्राइंगल है तो इसका क्या होगा, तो इसका ब्लू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड और प्लस टू एक्स जेड या जेड एक्स, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। फोर्थ वन है आपके पास कौन सा है, क्योंकि एक्स प्लस वाई होल क्यूब, जबकि इसकी फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, अगर 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर बनेगा। इसके बाद फिफ्थ फॉर्म क्या है, ये प्लस है तो यहाँ अगर नेगेटिव करें तो एक्स माइनस वाई होल क्यूब इक्वल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। अब इसको आप एक्सपांड करोगे तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। समझ आ गया आपको? तो सिक्स वन फॉर्मूला है जो आपको इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन इनका फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इनका हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जबकि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा। तो ये आइडेंटिटी आपको प्रिपरेशन करनी है। अगर ये आइडेंटिटी आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज 2.5 में से कोई भी सम आप कर सकते हो। कैसे? अब जो ये नहीं बोलते था आवाज के बारे में, हाँ है ना, जैसे कि कल हमने एक्सरसाइज 2.5 में से क्वेश्चन 1, 2, 3 दिया देखा था, तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन 4 है, होता फर्स्ट वन है आपका एक्स प्लस टू एक्स 2y plus 4z होल स्क्वायर। तो देखते हैं आप ये फॉर्मूला ये हिसाब के है तो कैसे करेंगे हम, पहले x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है तो x की जगह आपके पास x है तो इनको x लिखेंगे, प्लस y की जगह 2y है तो 2y स्क्वायर करेंगे, z की जगह 4z है तो 4z स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 उनके बाद यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ हमारे एक्स तो एक्स, वाई की जगह टू वाई है टू वाई लिखेंगे, प्लस टू वाई की जगह टू वाई तो टू वाई, जेड की जगह फोर जेड प्लस टू एक्स और फोर जेड, जबकि हम एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 4xy प्लस 2 4 16yz प्लस 2 8xz हो गई।
यहाँ एक फॉर्मूला है इसलिए वन स्टेप में आया, लेकिन यहाँ आपको सम काउंटिंग करना है इसलिए यहाँ तीन स्टेप में आपका आंसर आएगा। देखते हैं सेकंड में, तो सेकंड में क्या है, 2x minus y plus z whole square। तो यहाँ पहला x की जगह क्या है 2x, तो 2x square plus यहाँ minus y का square plus z square plus 2 यहाँ 2x यहाँ minus y, minus y है इसलिए minus y लिखा है हमने, प्लस टू ब्रैकेट माइनस वाई और जेड प्लस टू टू एक्स और जेड। देखते हैं टू का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है और यहाँ जेड स्क्वायर। अगर यहाँ पहले बिना सोचे लिखेंगे तो मिस्टेक आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे 2 to the 4, लेकिन यहाँ माइनस वाई आ रही है इसलिए माइनस 4xy आ रही है। यहाँ भी एक बार माइनस है, माइनस 2yz और प्लस 2 to the 4xz आ रहा है। सुन रहे हैं आपको, तो ये टाइप के सम है। ये थर्ड वन है आपको कैसे आया, फोर्थ वन फिफ्थ वन में करा हूँ आपको कि फिफ्थ वन कैसे करना है। जितने सम आप घर पे बनाकर सम भी आप कर सकते हैं, तो फिफ्थ वन है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। देखा आपने, तो जो हम करते थे ऐसे ही करेंगे इस फॉर्मूला से, तो क्या होगा इसका माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला था, और यहाँ माइनस 2x यहाँ आएगा 5y प्लस 2 यहाँ आएगा 5y और यहाँ माइनस 3z और प्लस 2 आएगा यहाँ माइनस 2x और यहाँ आएगा माइनस 3z। फॉर्मूला के हिसाब से ही आपको लिखना है, नया कुछ करना नहीं है, एक दो बार आप करोगे सब बिल्कुल इजी हो जाएगा। और बाद में 2 का स्क्वायर मालूम है आपको 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 3 9z स्क्वायर। अब यहाँ 2 to the 4 और 5 20, लेकिन माइनस 20xy क्यूब ये माइनस है, यहाँ फिर से माइनस 5 to the 10 10 to the 30 yz और यहाँ दो बार माइनस आया इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा 2 to the 4 और फिर 12xz। समझ आया बच्चों, तो ये तरीका है इसका। एक सिक्स वन है जो थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, लेकिन हार्ड है नहीं, तो इसमें क्या है कि 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 whole square, इनको आप x ही समझो, इनको आप y समझो और इसको z समझो, तो कैसे करेंगे हम, तो 1 upon 4a whole square plus minus 1 upon 2b whole square plus 1 square plus 2 बाद में आएगा 1 upon 4a 1 upon 2b यदि उसके साथ नेगेटिव नेगेटिव क्यों कि न्यूमरेटर में नेगेटिव है प्लस 2 माइनस 1 upon 2b और 1 प्लस 2 1 upon 4a और into 1। तो 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, तो ऊपर आएगा a स्क्वायर upon 16 प्लस b स्क्वायर upon 4 प्लस 1 प्लस यहाँ a 2 गया, तो क्या
ए बी अपॉन फोर छोड़ा गया आपको ए ए बी का ए बी टू टू गया तो वन वन हो जाता है कौन लिख दिया यहाँ माइनस ये टू टू गया क्या बचा माइनस बी और वन जा बी मतलब बी बचा और यहाँ प्लस टू टू जा फोर डेट हो गया तो ए अपॉन टू बचा क्या आंसर है इसमें ट्रेंड्स कुछ है नहीं आप ऐसे अपने आप वर्क पे भी बना करके सम बना सकते हो कैसे बनाना है आपको मैं आपको समझाऊंगा तो ये एक्सरसाइज है इसमें आप कुछ फिर से कुछ भी ले लो यहाँ ए प्लस टू बी प्लस सी स्क्वायर ले लो ये एग्जाम्पल के तौर पे है आप यहाँ टू ए प्लस थ्री सी थ्री बी माइनस सी ले लो और स्क्वायर कर लो थर्ड यहाँ ले लो ए माइनस फाइव बी प्लस फोर सी और स्क्वायर करो और अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल इजी है तो अब क्वेश्चन फोर आप घर पे कर सकते हो कैसे अब देखो क्वेश्चन फाइव फाइव फैक्टराइज फैक्टराइज मतलब ये इनका उल्टा फॉर्म है यहाँ से यहाँ लाना है अब हमने यहाँ से यहाँ लाए थे अब उल्टा आया क्वेश्चन फाइव में वो इसको कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा पहले तो आपको समझ में जाना है आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर वाई जेड और माइनस सिक्सटी एक्स जेड देखा ना आपने हाँ चलो तो ये फोर एक्स स्क्वायर मतलब ये टू एक्स का स्क्वायर है प्लस नाइन का रूट होता है थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर आपको यहाँ प्लस ही लिखना है तो ये टू का रूट बनता है ये यहाँ उल्टा है ये फॉर्म माना है तो टू और टू एक्स और थ्री वाई अब आप यहाँ प्लस लिखेंगे ये दोनों तीन टर्म है लास्ट टर्म तीन टर्म में नेगेटिव दो कौन से है ये दो नेगेटिव में से दो बार कौन आया तो जेड दो बार आया तो जेड वाला नेगेटिव बनेगा ये हिसाब है तो करेंगे तो ये टू फॉर्मूला का यहाँ थ्री वाई और यहाँ फोर जेड लेकिन ये माइनस करेंगे क्यों ये माइनस होगा प्लस टू यहाँ आएगा 2x और यहाँ फिर से 4z क्यों क्योंकि नेगेटिव आपको ये नेगेटिव कैसे होगा क्यों होगा ये तय करने के लिए आपको लास्ट तीन टर्म देखना पड़ेगा ये तीनों टर्म में दो कौन से वाले नेगेटिव है तो ये दो नेगेटिव वाले दो नेगेटिव में कौन सा दो बार आया है तो भाई जेड जेड दो बार आया तो जेड वाला नेगेटिव है अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो दोनों में कौन कौन है तो वाई वाई तो वाई वाला नेगेटिव होता लेकिन अगर ये पहला वन और लास्ट वन अगर नेगेटिव दोनों होते तो इसमें x है यहाँ x है मतलब x वाला नेगेटिव होगा समझ रहे हैं इसी तरीका है आपको सोचना है सिर्फ अब क्या करेंगे 1 2 3 2x plus 3y इनको z वाला माइनस है इसलिए 4 z और स्क्वायर ये हमारा आंसर है उल्टा फॉर्म है यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ से यहाँ गए थे क्वेश्चन फाइव यहाँ से देखा आपने तो एक सेकंड वाला थोड़ा हार्ड है वो मैं आपको बताऊं कैसे करना है हार्ड या नहीं आपकी सोच हार्ड होती है क्या टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट जेड स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स वाई प्लस फोर रूट टू वाई जेड माइनस एट एक्स जेड तो क्या करेंगे हम इसमें कि टू का रूट निकलता नहीं है तो क्या करेंगे रूट टू करके लिखेंगे तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा टू प्लस
प्लस इसका वाई स्क्वायर, इनको क्या करेंगे, टू रूट टू जेड वन स्क्वायर करेंगे। टू इनटू क्या होता है, एक है। यहाँ टू फॉर्मूला का बाद में आपको पता है, ये दोनों लिखना है आपको, रूट टू एक्स वाई प्लस। तो अब हम अब देखिए, ये पहला वाला, ये लास्ट वाला, दो नेगेटिव है, दोनों में कौन कौन कॉमन है, तो x x के, तो x वाला नेगेटिव आएगा, तो यहाँ आपको नेगेटिव लिखना प्लस टू, यहाँ y और यहाँ टू रूट टू j प्लस फिर से टू और माइनस टू रूट टू x और कहा गया टू रूट टू जे। समझ आ गया आपको, इनको लास्ट वाला कैसे करेंगे, किया हमने टू टू का फोर और रूट टू रूट टू बन गया फोर टू का एट। और आपको पता है कि ये एक्स वाला ओवर ये एक्स वाला नहीं रिप्लेस, ये एक्स वाला नहीं करता, तो अगर हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जे वन से। अगर आप इसके सिवाय दूसरा भी आंसर है तो क्या है, अगर ये नेगेटिव है तो चेंज करोगे तो इसको पॉजिटिव और ये दोनों नेगेटिव कर सकते हैं। कैसे, रूट टू एक्स माइनस वाई माइनस टू रूट टू जेड, ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, मतलब आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। देखते हैं आगे, एक इनके लिए आपको थोड़ा ट्राई करना पड़ेगा, आप घर पे बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा ट्राई करोगे, कुछ नया अपने आप से बना के सम लिख सकते हो, जितना ट्राई करोगे इतना आपको बेनिफिट लगेगा। तो क्वेश्चन सिक्स है, टू क्वेश्चन सिक्स का सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो क्या है पहला क्वेश्चन सिक्स का वन है, टू एक्स प्लस वन होल क्यूब, होल क्यूब क्या पास फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई ए। ये फॉर्मूला के हिसाब से आप लगाओ तो x की जगह आपके पास 2x है और y की जगह आपके पास 1 है, तो एक्सपांड करो तो पहले आपको फॉर्मूला लिखना शुरू करो, हर एक सम में आप फॉर्मूला लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी एक्सरसाइज से क्या करना है। तो x की जगह 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x ए क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला का, ये x है अपनी जगह 2x है, y की जगह 1 है प्लस सॉरी यहाँ 2x प्लस 1। समझ आ गया आपको, x क्यूब y क्यूब 3 x y ब्रैकेट x प्लस y 2x क्यूब 1 क्यूब 3 फॉर्मूला का, x की जगह 2x y की जगह 1 और y की जगह 1। बाद में क्या करेंगे हम, उनका तो आपको पता है 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 है, 1 क्यूब लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा, प्लस 3 का 6x और ब्रैकेट 2x प्लस 1। अभी भी आप x कर सकते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 क्यूब 12x स्क्वायर x x x स्क्वायर प्लस 6x 1 का 6x ये हुआ आपका। तो सेकंड ऐसा है, थर्ड वन में करा दो आपको, थर्ड वन में क्या है कि 3 अपॉन 2x प्लस 1 होल क्यूब 3x। तो देखते हैं अब ये पूरे का पूरा ये टाइप का ही समय है, x की यहाँ 2x का आपके पास 3x by 2 है, तो चलो लगाओ तो क्या करेंगे, 3 अपॉन 2x होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 फॉर्मूला का, फिर से 3x अपॉन 2 1 और ब्रैकेट में 3x बाय 2 प्लस 1। तो 3 का क्यूब होता है 27 बाय 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 का 9x by 2 ब्रैकेट 3x upon 2 plus 1 रेस के अपने एक स्टेप करो आपका आंसर आ जाएगा 27 8x cube plus 1 प्लस
ये क्वेश्चन सेकंड है, इसमें क्या करो